तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, सो दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इनक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। यहां पे ये वेक्टर दे रखा है और हमसे कह रहा है कि इसका जो एंगल है, इनक्लाइन मतलब एंगल, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से जो है वो इक्वल एंगल बनाता है। हम मान लेते हैं कि ओ एक्स जैसे एग्जाम्पल के लिए, या फिर इसका हम थोड़ा सा रफ फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये ओ है, तो ये ओ एक्स हो गया, ये वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, तो ये ओ वाई ओ जेड। पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है ये वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और ये हो गया इस तरह से। तो हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा, ठीक है। यहां पे इसको हम लोग मानते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको गामा। तो इसके कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू होगा इसका कोफिशियंट यानी वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अगर ये ए वेक्टर हम मान लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। तो यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये ए वन ए टू ए थ्री है तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ए टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए टू है वन, मैग्नीट्यूड है अंडर रूट थ्री, कॉस गामा जो है इसका भी मैग्नीट्यूड वन बाई रूट थ्री है, और वन बाई रूट थ्री क्या होता है हमारा, हमें कॉस के फॉर्म में नहीं पता, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। और यहाँ तीनों एंगल क्या हैं, कॉस अंडर रूट कॉस वन बाई रूट थ्री है, कॉस वन बाई रूट थ्री, कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री, तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या हो गए, इक्वल एंगल हो गए। और जब ये इक्वल एंगल हो गए तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के लिए बस इतना ही।